Assalamualaikum everyone, once again welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. तो आज हम जा रहे हैं दोबारा से हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर और जा रहे हैं कि कुछ मिल जाए आज भी हमें स्पाइसी सा मजेदार सा फूड. तो हम गए थे गौसिया सिल्वर स्पून पर और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम गौसिया सिल्वर स्पून पर जाएं या फिर हम गौसिया फास्ट फूड एंड चाइनीज़ पर जाएं. असल में ये था कि मुझे खाना था कुछ चाइनीज़ आइटम और मेरे घर वालों को जो है वो कुछ डिफरेंट तिक्का या फिर चरगर स्पाइसी सा खाना था. खैर बहरहाल हम खड़े हो गए गौसिया सिल्वर स्पून पर. बहुत रश था, वेटिंग पे खड़ा कर दिया और मज़ेदार से यहाँ पे जो है वो फ्रेंच फ्राइज बन रहे थे. खैर बहरहाल हमें वहाँ पे जो है काफ़ी टाइम लग रहा था तो हम वापस से आ गए गौसिया फास्ट फूड एंड चाइनीज़ पर. हमने कहा चलो यहीं चलते हैं. इससे पहले भी मैंने यहाँ का जो है ब्लॉग आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं. फिर हमने मंगवाया इनका मेन्यू कार्ड और मेन्यू कार्ड में जो इनके प्राइजेस थे वो आप सब देख सकते हैं. आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके भी इनके प्राइजेस देख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे इनका हाफ चरगा जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था तो मज़े का लेकिन टू मच स्पाइसी. ठीक है, अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो ज़रूर टेस्ट कीजिए, आपको पसंद आएगा. और यहाँ पे ये था इनका क्रिस्पी जिंकर ब्रोस्ट. ब्रोस्ट में नाम को ही प्राइस थे, प्राइस बहुत कम दिए थे. मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था चिकन फ्राइड राइस जो मुझे अच्छे लगे यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगा. जो बचा था हमारा चरगा वो हमने पार्सल करवा लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा मिर्चें थी कि ये खाया ही नहीं गया, हमने पूरा पार्सल करवा लिया. और जो ये गौसिया फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है ये बिल्कुल आपको हुसैनाबाद पर दिल्ली गुलजार निहारी है उसके सामने मिलेगा. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, हमें दिख गया अल्पाइन ग्लेटो. इसकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है तो हमने कहा चलें क्यों ना आइसक्रीम भी खा लें. वैसे जो है वो चरगा खा के बहुत मिर्चें लग रही थी तो हम आ गए यहाँ पर आइसक्रीम खाने. प्राइसेस आप आइसक्रीम के देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके भी. और प्राइजेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनके जो फ्लेवर हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आइसक्रीम अच्छी है. एक्स्ट्रा टॉपिंग भी करते हैं ये जो 20 रुपीज़ में कर देते हैं जिसमें आप जैसी भी टॉपिंग करवाना चाहें आइसक्रीम पर करवा सकती हैं. फ्लेवर जो है यहाँ पे इनके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं और बिलीव मी कि मुझे तो यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है. अगर आपने भी खाई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यहाँ की आइसक्रीम कैसी लगती है. खैर बाहर बहुत मज़े मज़े के फ्लेवर थे और आज मेरा कुछ दिल चाह रहा था डिफरेंट फ्लेवर खाने का. हमेशा मैं चॉकलेट फ्लेवर खाती हूँ लेकिन आज मेरा मूड था कि यहाँ पे मैं क्रंच वाली आइसक्रीम खाऊं. तो बहरहाल घर वालों ने पिस्ता और शहद शाही कुल्फा यहाँ पे ली और मैंने अपनी फेवरेट ली क्रंच. ठीक है, चॉकलेट क्रंच वाली जो आइसक्रीम होती है वो मैंने यहाँ पे ली, सिर्फ क्रंच, सॉरी चॉकलेट नहीं थी, सिर्फ क्रंच था और बहुत मज़ेदार थी. आइसक्रीम खाने के बाद बाहर निकले तो भाई पान का स्टॉल नज़र आ गया क्योंकि हुसैनाबाद पे तो आपको हर कदम जो है वो जब आप चलते जाएंगे हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ खाने पीने का नज़र आता रहेगा. पान बहुत मज़े का था और 50 रुपये का था. उसके बाद हम चले घर की तरफ तो मैंने सोचा क्यों ना इतना सारा खाना खा लिया है तो थोड़ी सी वॉक भी कर ली जाए. तो रास्ते में हमें दिखा बैठक रेस्टोरेंट जो है आयशा मंजिल पर. नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ का शेयर करूँगी. फिर हम आ गए थोड़ी सी वॉक करने के लिए पार्क में. हमने कहा चलो खाना खाया है तो थोड़ा सा यहाँ पे इसे हजम भी कर लिया जाए. तो पार्क में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो हमारे माइंड के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है. वैसे तो खैर पार्क में सुबह में आना चाहिए, मॉर्निंग वॉक इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, लेकिन हम खाना वगैरह खा के रात में आ गए और क्यों ना मैंने कहा मेरे बेबी की भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और उन्हें जो है वो प्ले लैंड में घूम के मज़ा आ जाएगा. तो बस यहाँ पर मेरे बेबी मज़े मज़े से जो है वो राइड्स ले रहे थे और यहाँ पे ये हमारे घर के करीब ही जो है वो पार्क था तो यहाँ आ गए थे. बच्चों का काफ़ी अच्छा छोटा सा प्ले लैंड बना हुआ था, बच्चे सारे ही यहाँ पे मज़े मज़े से इंजॉय कर रहे थे और मेरा बेबी भी यहाँ पे मज़े से ही इंजॉय कर रहा था. खैर बहरहाल अगर बच्चे खुश तो पेरेंट्स खुश, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे अगर इंजॉय कर लें तो वाकई हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो बहरहाल ये था संडे का दिन जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा. अल्लाह पाक की छोटी छोटी नेमतों का हमें ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो हमारी नेमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा. जैसा भी दिन हो अल्लाह का शुक्र ज़रूर भेजें कि वो सेहत और खैर वाफियत के साथ अगर गुजर जाए. तो यहाँ पे मेरा बेबी इंजॉय कर रहा था, उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है, अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे. तो जनाब वापस हम चले थे घर की जानिब, रास्ते में पड़ा बैठक रेस्टोरेंट जो है आयशा मंजिल पर. नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह इसी पर ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.